सब्सक्राइब कीजिए द बिजी गाय इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस वेलकम। हमारे मोबाइल में UIDAI करके एक नंबर 1800300 1947 करके अपने आप सेव हो रहा है, तो क्या ये नंबर हैक्ड है? तो क्या ये नंबर हमारे डिवाइस को हानि पहुंचा सकता है? तो आज हम बात करेंगे इसी UIDAI नंबर के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन, आप देख रहे हैं द बिजी गाय। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे WhatsApp अकाउंट के ऊपर, Facebook के ऊपर, Twitter के ऊपर न जाने कहां कहां पे एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक UIDAI नाम का नंबर अगर सेव है तो उसे डिलीट कीजिए, क्योंकि वो नंबर हैक्ड है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी UIDAI नंबर के बारे में और देखेंगे उसकी हैक्ड होने की सच्चाई। दोस्तों, देश भर के कई लोगों के मोबाइल में उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये UIDAI नंबर करके 1800300 1947 नाम का नंबर अपने आप सेव हो रहा है। दोस्तों, अगर आप इस नंबर को प्रैक्टिकली अपने मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में UIDAI करके सर्च कर सकते हैं और इस नंबर को देख सकते हैं। देश भर में करीब करीब 90% एंड्रॉयड फोन में ये नंबर सेव हो चुका है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया भर में डाटा लीक की बहुत सी खबरें आगे आ चुकी है, तो इसी बीच आधार को लेके UIDAI को लेके बहुत बड़ा मामला सामने आ चुका है। देश भर में UIDAI नाम का नंबर 1800300 1947 अपने आप मोबाइल में एंड्रॉइड में सेव हो रहा मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपके इजाजत के बगैर आपके फोन में, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये अननोन नंबर कैसे सेव हो रहा है? सोचने वाली बात है। आज ये थर्ड पार्टी नंबर आपके मोबाइल में अपने आप सेव हो रहा है, कल जाके कोई दूसरा नंबर आपके मोबाइल में अपने आप सेव हो जाएगा और उसके बाद कोई अननोन नंबर, कोई अननोन मैसेज आपको परेशान करते रहेंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आपके मोबाइल में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये जो अननोन नंबर UIDAI करके सेव हो रहा है, तो ये नंबर दरअसल UIDAI यानी के आधार का एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। आप देख सकते PIB.NIC.IN इस गवर्नमेंट के वेबसाइट पे इसके बारे में 1 अगस्त 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था विथ टोल फ्री नंबर 1800300 1947 और इसका शॉर्ट कोड है 1947। अब दोस्तों, एक बात सामने निकल के आती है कि आपके मोबाइल में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये जो 1800300 1947 ये जो UIDAI का नंबर सेव हो चुका है, तो ये UIDAI का ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है। UIDAI ऑफिशियली ट्वीट करके ये बता चुका है ये नंबर जो आपके मोबाइल में UIDAI करके सेव हो चुका है, तो इसके बारे में UIDAI का कहना है कि किसी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, BSNL और किसी भी IT कंपनी को किसी भी मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये नंबर सेव करने की अनुमति नहीं दी गई है। जब UIDAI ने इस नंबर के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ अनुमति नहीं दी, तो ये नंबर हमारे मोबाइल में आया कहां से? इसी टॉपिक के बारे में पत्रिका.com पे एक खबर पब्लिश हो चुकी है। आपको भी मोबाइल में सेव दिखे आधार हेल्पलाइन नंबर, चिंता न करें, यह है असली मामला। अब गूगल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। गूगल कहता है कि 2014 में एंड्रॉइड के सेटिंग में ये नंबर फीड किया गया था। तो फिलहाल आपको चिंता करने की या बहुत बड़ा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये वेरीफाई हो चुका है कि ये जो UIDAI नंबर है तो ये आधार का यानी के UIDAI का ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है। फिर भी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एंड्रॉइड पे, आपके मोबाइल पे अगर आपको कोई भी संदिग्ध नंबर दिखे तो उसे जरूर हटा दो। तो दोस्तों, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका आधार नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर या फिर आपका ATM नंबर किसी के साथ कभी भी ना मोबाइल पे ना कभी किसी वेबसाइट पे शेयर मत कीजिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद UIDAI इस नंबर का जो भी कंक्लूजन है वो दूर हो चुका होगा। दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इस UIDAI इस नंबर का कंक्लूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल द बिजी गाय को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिलहाल बस, फिर मिलेंगे आगे चल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।